जीवित महान परमेश्वर, एक बार फिर से मेरे प्रभु जी आज की सुबह, आज के भोर के तड़के में तेरे पास एक बार फिर से आता हूँ मेरे प्रभु जी। हृदय की गहराइयों से मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, जिंदा जीवित परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए। धन्यवाद हम धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, हम सभी लोग धन्यवाद करें धन्यवाद करें। कोई चुप मत रहो। आज मेरे प्रिय, हम सबको परमेश्वर जिंदा रखा, हम सबको परमेश्वर संभाला, हम सबको परमेश्वर ने एक अच्छा दिन को दिखाया, एक अच्छा नए सुबह को, एक अच्छा नए जो है दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद करें मेरे प्रिय। चाहे जितने भी आज प्रभु को धन्यवाद दें, उतना कमी है मेरे प्रिय हमारे परमेश्वर को। लेकिन आज आपको मेरे प्रिय अपने अपने जीवन को तैयार करना है, अपने मनों को तैयार, अपने सोचों को, विचारों को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में तैयार करना है। वो परमेश्वर आज आपके जीवन से बोलेंगे और बातचीत करेंगे। हालेलुया धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, धन्यवाद मेरे प्रभुओं के प्रभु, वो सारे सृष्टि के मालिक मेरे परमेश्वर, असंभव को संभव बदल देने वाला पिता। एक बार फिर से मेरे प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ और धन्यवादों के साथ मेरे प्रभु जी आज तेरे पास में आता हूँ सुबह के बेला में। ओ सुबह के बेला में तेरे निकट में आता हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, यस 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 यस। पवित्र आत्मा धन्यवाद मेरे सच्चे और अच्छे प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सारे सृष्टि का कर्ता, और जो कुछ हम जो कुछ इस पृथ्वी में देखते हैं पिता, सारे सृष्टि का कर्ता है स्वामी, सारे सृष्टि का मालिक है मेरे परमेश्वर। मैं आपके नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। गिरते हुओं को संभालने वाला, झुके हुओं को सीधा कर खड़ा करने वाला मेरे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे प्रिय, कोई भी परिस्थिति में आप चिंता मत करो, किसी भी परिस्थिति में आप घबराओ मत। परमेश्वर आपके साथ में, परमेश्वर आपके निकट में है। वो परमेश्वर आपके जीवन से बोलेंगे और बातचीत करेंगे, आपके मेरे प्रिय सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। आप हिम्मत मत हारो, विश्वास करो और मेरे प्रियो परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर आपके सारे मेरे प्रियो जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आज मेरे प्रियो हिम्मत मत हारो, परमेश्वर आपके साथ में है, घबराओ नहीं। आप मेरे प्रियो विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारो, विश्वास के साथ मेरे प्रियो आज परमेश्वर को ढूंढो, आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया हालेलुया, यस 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 यस। पवित्र आत्मा धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सारे सृष्टि को मालिक और सारे सृष्टि के मालिक मेरे परमेश्वर पिता, असंभव को संभव बदल देने वाला पिता मेरे प्रभु, वायदों का पक्का परमेश्वर, वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर। अब हमको प्रभु आपने अद्भुत और भयानक रीति से आपने रचा और प्रभु अद्भुत और भयानक रीति से हमको बनाया मेरे परमेश्वर। आज मेरे प्रभु जितने भी पिता हमारे जीवन में प्रभु तेरे काम हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें हम तेरे को हम प्रभु जी आदर और महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर। यस प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ जिंदा परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह तू बदल, मेरे प्रभु यीशु मसीह तू छू ले पिता, ओ तू टच कर सारे सृष्टि को मालिक प्रभु। इसी वक्त तू बदल पिता, इसी वक्त तू काम कर, इसी वक्त तू मेरे परमेश्वर पिता सारे सृष्टि में, ओ सारी सृष्टि को बनाने वाला, सारे सृष्टि के सृजनहार मेरे प्रभु, इसी वक्त तू काम कर, इसी वक्त तू बोल और बातचीत कर, ताकि जितने भी पिता ओ तेरे भय और तेरे डर में जीवन जीने वाले हैं उन सभी के लिए आज मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज तू काम करेगा उनके जीवन में, ओ उनके जीवन में तू काम करेगा मेरे प्रभु जी। हालेलुया, यस मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु जितने पिता ओ तेरे पास में है प्रभु, आज उन सभी के लिए पिता एक नई रास्ता खोलेंगे, एक नई बड़े बदलाव को देंगे मेरे परमेश्वर। ओ तू दया कर दया कर दया कर मेरे राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु जी, इसी वक्त तू ओ प्रभु जी हर एक जन के जीवन से बोल और बातचीत कर, इसी वक्त पिता तू हर एक जन के लिए काम कर मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद बात करता हूँ क्योंकि परमेश्वर पिता आप यहोवा अनुग्रहकारी है, यहोवा मेरे प्रभु हमारे लिए दया का सागर है, वो दयालु परमेश्वर है। आज मेरे प्रभु हिम्मत ना हारो, आप कभी भी मेरे प्रभु भरोसा, कभी भी अपने भरोसा को मत टूटने दो, क्योंकि वचन में लिखा है जब तुम निराश होते हो, जब तुम हताश होते हो, जब तुम परेशान होते हो, तो उसमें शैतान हंसता है मेरे प्रियो, ओ शैतान खुशी मनाता है। लेकिन जब आप मेरे प्रियो उस दुख में भी परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं, उस दुख में भी परमेश्वर की याद करते हैं, भले आप मेरे प्रियो अपने बीमारी से थक चुके हैं, अपने परिवार से थक चुके हैं, अपने मोहल्ले वाले से, अपने जो भी आड़ पड़ोस थे उनसे थक चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बेटा तू केवल मुझ पर विश्वास कर, अपनी सारी चिंता को मुझ पर डाल दे और मुझसे तू प्रार्थना कर, और मुझसे तू प्रार्थना कर कि सचमुच मैं तेरे हृदय को, मैं तेरे मन को मैं जो है नया बनाऊंगा, कह रहा है वो परमेश्वर। लेकिन मेरे प्रभु आपको सचमुच में उसके मार्ग पर चलना है। वचन में लिखा है क्या ही धन्य है वह हर एक व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्ग पर
चलता है। मेरे प्रियो, उनको परमेश्वर उठाता है, वो झुके हुए को खड़ा करता है, जो टूट जाते हैं अंदर से, दुखते हैं अंदर से, मेरे प्रियो निराश और हताश हो जाते हैं, उसको परमेश्वर संभालता है, उसको परमेश्वर मेरे प्रियो अगुवाई करता है, उसको परमेश्वर हिम्मत देता है, उसको परमेश्वर बदलता है, उसको परमेश्वर मेरे प्रियो सचमुच में एक नई बड़े बदलाव को देता है। लेकिन मेरे प्रियो आज आपको हिम्मत नहीं हारना है, घबराना नहीं है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और कहना कि जीवित परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान बल है, ओ तू मेरे चट्टान है, ओ तू मेरे ढाल है, हे मेरे परमेश्वर आज तू सर्वशक्तिमान करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं मेरे परमेश्वर, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं मेरे प्रभु, सचमुच में आज पिता हर एक कार्य को संभव बदल दे प्रभु जी। और आज मेरे प्रभु जितने तेरे बेटा और बेटी तेरे पास में मेरे भूख और के साथ समर्पण साथ लगन के साथ आज घुटने टेकी हुई तुझसे बातचीत कर रहे हैं और तुझे पुकार रहे हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज उन सभी के लिए तू रास्ता खोलना, आज उन सभी के लिए तू मार्ग खोलना मेरे परमेश्वर, ताकि पिता एक बड़े बदलाव को देखने पाए मेरे प्रभु जी। यस मेरे परमेश्वर दया का सागर प्रभु, इसी वक्त मेरे परमेश्वर आज अद्भुत काम होने पाए, इसी वक्त तू अद्भुत एक बड़े बदलाव को देना मेरे परमेश्वर, ताकि जितने पिता तेरे पास में आज प्रभु जी बैठे हैं सब लोग पिता आनंद से भरकर ओ प्रभु जी तेरी महिमा करते हुए आगे बढ़ने पाए पिता मेरे प्रभु, आज इसी वक्त तू बदल दे पिता, इसी वक्त तू छू ले मेरे प्रभु जी, ताकि जितने पिता आज प्रभु जी तुझ पर विश्वास किए सभी लोग पिता वो कभी लज्जित ना होने पाए, वो कभी बदलने ना पाए, वो कभी हिम्मत ना हारने पाए, वो कभी टूटने ना पाए, वो कभी निराश और हताश ना होने पाए, वो कभी प्रभु जी अपने आप को अकेले पर महसूस ना करने पाए, लेकिन खुदावन तुझे प्रभु जी पहला स्थान देने पाए मेरे परमेश्वर। मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ, हे मेरे प्रभु यीशु दया कर, मेरे परमेश्वर तू अनुग्रह कर मेरे प्रभु, ताकि पिता जितने पिता तेरे भय में जीवन जी रहे उन सभी के लिए पिता एक रास्ता और मार्ग खोलना मेरे प्रभु जी, ताकि पिता जितने पिता आज प्रभु तेरे भय में जीवन जी रहे थे पिता उन सभी के लिए पिता नए रास्ता और नए मार्ग खोलेंगे मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, ओ सामर्थी परमेश्वर सनातन की राजाओं की राजा प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वक्त तू पिता हर एक जन के लिए काम करेगा, हर एक जन के लिए बड़े बदलाव को देगा मेरे परमेश्वर, आज तू बोल और बातचीत कर, आज सारी सृष्टि में पिता तेरी महिमा होने हो जाने पाए, ओ सारे सृष्टि में प्रभु तेरे अद्भुत काम हो जाने पाए, इसी वक्त पिता तू काम कर, इसी वक्त तू बदल दे पिता, इसी वक्त तू छू ले मेरे परमेश्वर, इसी वक्त तू हरे गिरीहों को उठा मेरे प्रभु जी, आज मेरे परमेश्वर उस बड़े काम को देखने पाए, आज बड़े काम को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से, आज प्रभु जी उनके जीवन में अपने वचन को पूरा होते हुए देखने पाए पिता, ओ प्रभु अपने जीवन में पिता ये बहुतायत को आशीष को देखते हुए प्रभु जी महसूस करने पाए मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कर मेरे प्रभु, आज मेरे परमेश्वर पिता उनके जितने विरोधी हैं, उनके जितने दुष्ट हैं पिता उनको प्रभु जी लज्जित करने पाए पिता, उनको प्रभु लज्जित हो जाए पिता, आज मेरे प्रभु आज वो प्रभु यीशु के नाम से बड़े बदलाव को देखने पाए। यस प्रभु परमेश्वर, हे मेरे यहोवा धन्यवाद प्रभु, हे मेरे परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर तू सहायता कर, मदद कर, आज मेरे परमेश्वर बदल दे, हर एक जन अनुग्रह करने पाए, हर एक जन प्रभु जी तेरी महिमा में तेरी आराधना में आगे बढ़ने पाए पिता, विश्वास के साथ वो घुटने टेकने पाए, विश्वास के साथ आगे बढ़ने पाए पिता, और प्रभु जी हर एक पिता जितने तुम तुझे पुकार रहे हैं हे मेरे परमेश्वर आज उनके लिए पिता एक बड़े बदलाव को देना मेरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया यस 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 यस, आज प्रभु जी सदा काल के लिए पिता वो प्रभु उनका मन खेदित ना रहने पाए पिता, लेकिन पिता तू उनको ऊंचा उठाना, तू उनको संभालना, तू उनको हिम्मत और ढाढ़स देना, तू उनको बदल देना मेरे प्रभु जी, ताकि पिता जितने पिता तेरे भय में जीवन जी रहे प्रभु उन सभी के लिए पिता एक नए रास्ता और बड़े बदलाव को देना मेरे परमेश्वर। हालेलुया 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 यस 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 यस, ओ प्रभु परमेश्वर सहायता करो, मदद करो, ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु जी सारे सृष्टि के मालिक मेरे परमेश्वर, इसी वक्त तू बदल मेरे परमेश्वर, इसी वक्त तू छू ले मेरे प्रभु, इसी वक्त तू फूर्ति कर मेरे परमेश्वर, इसी वक्त तू बदल पिता, इसी वक्त मेरे परमेश्वर हे यहोवा के डरवैयो आज किसी भली वस्तु की घटी कमी उनके जीवन में उनके परिवार में ना होने पाए, लेकिन पिता आत्मा सच्चाई के साथ तुझे पुकारते हुए तुझे ढूंढते हुए तुझे खोजते हुए वो पाने पाए मेरे प्रभु जी। यस दया करो मेरे स्वामी, यस दया करो मेरे परमेश्वर, आज तू बदल दिया, रास्ता खोला है, मार्ग खोला है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज वो प्रभु कोई भी परमेश्वर पिता हिम्मत ना हारने पाए पिता, इस प्रार्थना को सुनते ही उनके परिवार में एक बड़ी बकाम होने पाए पिता, एक बड़ी बदलाव आने पाए मेरे प्रभु जी, ताकि पिता जहां भी जाए और जिस भी परिस्थिति में रहे मेरे प्रभु जी तुझे पहला स्थान देने पाए मेरे परमेश्वर। और पिता और आज पिता
तुझे प्रभु जी याद करके तुझे ढूंढ ले पाए, तुझे खोज ले पाए, और हर समय मेरे परमेश्वर जहां भी रहे, जिस भी परिस्थिति में रहे, वो तुझे याद करने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। यस मेरे राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु जी, तू सहायता कर, मदद कर, बदल दे हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत, हर एक मुसीबत। यीशु तेरे नाम से जड़ से उखड़ ले पाए, और मेरे प्रभु कोई आज हिम्मत ना हारने पाए, वो शैतान पर विजय पाए मेरे प्रभु, शैतान को हराने वाले हो जाए, वो शैतान की तीरों को बुझा सके, वो शैतान के कामों को नष्ट कर सके। और आज मेरे प्रभु जी कभी वो लज्जित ना होने पाए, कभी निराश ना होने पाए, कभी ठोकर ना खाने पाए, लेकिन अपने हिम्मत को प्रभु मजबूत करने पाए। अपने मेरे प्रभु हिम्मत मत हारो, परमेश्वर आपके साथ में है, विश्वास करो, परमेश्वर तुझे जरूर बचाएगा, परमेश्वर तुझे जरूर खड़ा करेगा। हालेलुया मेरे प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन में परमेश्वर एक बड़े बदलाव को दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। ये प्रार्थना आपके परिवार के, आपके घर के, आपके खुद के जीवन के लिए, आपके मोहल्ले के लिए एक बड़े बदलाव का कारण होगा, मैं विश्वास करता हूँ। और मेरे प्रभु आप शैतान पर विजय पाएंगे, मैं धन्यवाद देता हूँ, विजय पा लिए हैं, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवादों के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।